हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। अभी हम सॉल्व करेंगे अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं, अब देखिए आप क्वेश्चन को देख के हमको पहचानना होगा कि कौन सा फार्मूला है। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, ऊपर टू रहा तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में ले सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए फार्मूले में इसको रख सकते हैं। तो a की प्लेस में x है, ये y है b की प्लेस। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 2ab क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। b स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। इस तरह हम कर सकते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2x प्लस 3y होल स्क्वायर है, तो इसको दे देंगे a, इसको दे देंगे b, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए फार्मूले में हम रख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट किस तरह करना, ए ए को हटा के हम रख सकते हैं ये 2x ऊपर स्क्वायर, ये 2 फार्मूला का एज इट इज। ए और बी का मतलब 2x और 3y, 2x और 3y, बी स्क्वायर 3y स्क्वायर, इस तरह अप्लाई करना है। तो ए की प्लेस में हमको रखना है 2x, बी की प्लेस में रखना है 3y, कोई भी फार्मूला हो अब इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2x को 2 टाइम लिखना है, 2x इंटू 2x प्लस 2 टू ज 4 3 ज 12 हो जाएगा, ये x और y एज इट इज, प्लस 3y को 2 टाइम 3y इंटू 3y, मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू ज 4 x इंटू x एक्स स्क्वायर, ये 12xy एज इट इज, 3 3 ज 9 y इंटू y वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला में अप्लाई हो गया। अब देखिए ए एक क्वेश्चन है, 6a प्लस 5b होल स्क्वायर, इसको समझेंगे a, इसको समझेंगे b, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में हमको इसको अंदर सब्स्टिट्यूट इसको करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a a जहाँ पर भी है 6a रखेंगे, 6a पर स्क्वायर 2 का 2 a b, मैंने 6a 5b, बी स्क्वायर 5b स्क्वायर रखेंगे, ये हो जाएगा। अब 6a को 2 टाइम 6a इंटू 6a प्लस 2 6 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा ए बी, 5b को 2 टाइम 5b इंटू 5b, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब 6 6 जा 36 a इंटू ए स्क्वायर, ये 60 ए बी, 5 5 जा 25 b इंटू बी बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ए समझेंगे इसको, इसको समझेंगे हम बी, तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर क्या है माइनस बी ऊपर स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म होगा। ये ले लिए हम, ए स्क्वायर की प्लेस में हम रखेंगे टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू ए बी रखेंगे, टू एक्स इंटू बी रखेंगे फोर वाई, बी स्क्वायर रखेंगे फोर वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x को 2 टाइम माइनस 2 टू द 4 3 4 2 टू द 4 4 4 द 16 एक्स वाई, 4 वाई 2 टाइम 4 वाई इंटू 4 वाई, 2 टू द 4 x इंटू x एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, 4 4 द 16 4 4 द 16 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। प्लस रहा तो प्लस का फार्मूला, माइनस रहा तो माइनस का फार्मूला ले। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसको सपोज देंगे a, इसको सपोज देंगे b, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला ही होगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये दोनों 10x और 3y, b स्क्वायर हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब 10x को 2 टाइम लिखेंगे, 10x इंटू 10x, 2 टेन ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, x और y हो जाएगा, ये 3y 2 टाइम 3y इंटू 3y, 10 टेन ज़ा 100 हो जाएगा, x इंटू x एक्स स्क्वायर 60 एक्स वाई, 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर, इस तरह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर्मूला देख के पहचानना है, देख के सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये सपोज a दे देंगे, a सपोज b दे देंगे, इसको a दे देंगे, इसको b दे देंगे, तो a माइनस b, a माइनस b, ये a प्लस b, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है।
अब सब्सिट्यूट कीजिए इसके अंदर, ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 8x स्क्वायर, बी स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। 8x को 2 टाइम लिखेंगे, 3y को 2 टाइम लिखेंगे, 8 8 64 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 3 9y स्क्वायर, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसको सपोज ए दे देंगे, इसको सपोज बी दे देंगे, ये ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 3y स्क्वायर। 10x को 2 टाइम लिखेंगे, 10x इंटू 10x, 3y को 2 टाइम लिखेंगे, 3y इंटू 3y, 10 10 100 एक्स स्क्वायर, 3 3 9y स्क्वायर, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 प्लस 2 102, 100 में से 2 निकाले 98। अब इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, ये ए और ए बी, ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब फार्मूले में सब्सिट्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये इतना ही लेना है, 100 स्क्वायर 100 इंटू, ये 100 हो जाएगा, -2 इंटू 2 हो जाएगा, 100 100 जा 10,000, -2 2 जा 4, माइनस कीजिए 9,996, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको 200 माइनस 1 लिख सकते हैं, 200 प्लस 1 201, 200 माइनस 1 99 हो जाएगा 199, ये ए प्लस बी हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ए स्क्वायर ले लेंगे 200 स्क्वायर, बी स्क्वायर ले लेंगे 1 स्क्वायर, 200 को 2 टाइम लिखेंगे, 200 इंटू 200 1 इंटू 1, 200 200 जा 40,000 हो जाएगा, 1 1 जा 1, इन दोनों को माइनस कीजिए 399 हो जाएगा, इस तरह ये आंसर आपको, ये आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, 2x + 3y + 4z2 है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूले के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर, ए स्क्वायर क्या लेंगे हम, यहाँ से लेंगे इसको ए लेंगे, ये बी ले लेंगे, सी, ए स्क्वायर ले लेंगे 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर ले लेंगे 3y स्क्वायर, सी स्क्वायर ले लेंगे 4z स्क्वायर, प्लस 2ab मीन्स 2x और 3y, 2x और 3y, प्लस 2bc मीन्स ये दोनों 3y इंटू 4z, 3ca मीन्स ये दोनों 2x इंटू 4z, 2 को 2 टाइम लिखे 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3 को 2 टाइम लिखे 3 3 जा 9, 4 को 2 टाइम लिखे 4 4 जा 16z स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xy, 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz, 3 2 जा 6 6 4 जा 24xz, इस तरह हम आप क्वेश्चन को देख के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो अप्लाई कर लेना। अब 2x + 3y³, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए ले लेंगे ये बी ले लेंगे, ये होल क्यूब, इसके दो फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए भी फार्मूला है, दोनों फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके बताऊंगा आपको किस तरह किया जाता है। ए ए क्यूब हो जाएगा 2x³, बी क्यूब हो जाएगा 3y³, प्लस 3a हो जाएगा 2x, बी हो जाएगा 3y, ए प्लस बी मीन्स 2x + 3y, इसके दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह। 2x को 3 टाइम लिखेंगे, 2x इंटू 2x इंटू 2x, 3y को 3 टाइम, 3y इंटू 3y, प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18xy, ये एज इट इज 2x + 3y एज इट इज, 2 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 8, एक्स 3 टाइम है 1 2 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, y 3 टाइम है, प्लस 18xy, 2x + 8y एज इट इज, ये फॉर्मूला एक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और फार्मूला से करेंगे हम, देखिए क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब,
ये फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये भी फॉर्मूला है। क्वेश्चन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आप, ए क्यूब इसको ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, ए क्यूब हो जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री, ए स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, बी हो जाएगा थ्री वाई प्लस थ्री एज इट इज, ए हो जाएगा टू एक्स, बी स्क्वायर हो जाएगा थ्री वाई क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा थ्री वाई क्यूब। इस तरह आपको ये फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, टू को थ्री टाइम लिखिए, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट एक्स क्यूब, ये टू को टू टाइम लिखो, टू टू ज़ा फोर, थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा, यहाँ पे थ्री स्क्वायर है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे वाई स्क्वायर, प्लस थ्री को थ्री टाइम लिखे, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब। इस तरह ये फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ए माइनस बी माने टेन एक्स माइनस फाइव वाई, ए स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये दोनों ले सकते हैं, टेन एक्स और फाइव वाई, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, फाइव वाई स्क्वायर। इस तरह आप इसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं, ये टेन एक्स माइनस फाइव वाई एज इट इज, टेन को टोटल लिख दीजिए, टेन टेन ज़ा हंड्रेड एक्स स्क्वायर, टेन फाइव ज़ा फिफ्टी एक्स वाई, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर। इस तरह आप इसको सब्सिट्यूट कर, इसका एक और फार्मूला है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इसके अंदर भी आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं। ए माइनस बी माने टेन एक्स माइनस फाइव वाई होल क्यूब हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी मतलब टेन एक्स इंटू फाइव वाई, ए प्लस ए माइनस बी का मतलब टेन एक्स माइनस फाइव वाई हो जाएगा। अब इसको टेन एक्स माइनस फाइव वाई होल क्यूब, थ्री टेन ज़ा थर्टी, थर्टी फाइव ज़ा वन फिफ्टी एक्स वाई इंटू टेन एक्स माइनस फाइव वाई, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मूले के अंदर भी। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ए ए हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये फॉर्म में सर, इस ए ए हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन एक्स और वन बाई एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। ए ए हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर मीन्स वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी वन बाई एक्स इंटू वन बाई वाई, बी स्क्वायर वन बाई वाई स्क्वायर, ये वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू वन बाई एक्स वाई, इस तरह लिख सकते हैं, प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। ये देखिए इसको ए दे देंगे, इसको दे देंगे बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देख के पहचानना है आपको, स्क्वायर देख के पहचानना है आपको, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब रहा तो क्यूब का। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, जिसको ए दे दिए ए की प्लेस में, बी दे दिए बी, अब ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर लिए हम, प्लस टू ए बी टू एक्स और वन बाई थ्री वाई, टू एक्स इंटू वन बाई थ्री वाई, प्लस बी स्क्वायर ले लिया, वन बाई थ्री वाई स्क्वायर ले लिया, टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर एक्स बाई थ्री वाई, ये हो जाएगा वन बाई थ्री, थ्री ज़ा नाइन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ए माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है, दो फार्मूला है इसके, ये फार्मूले से पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा फोर ए क्यूब, बी क्यूब हो जाएगा फाइव बी क्यूब, माइनस थ्री ए बी मीन्स हो जाएगा फोर ए और फाइव बी, ए माइनस बी फोर ए माइनस फाइव बी एज इट इज। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फोर ए को थ्री टाइम लिखीजिए, फोर ए इंटू फोर ए इंटू फोर ए प्लस फाइव बी थ्री टाइम लिखीजिए, फाइव बी इंटू फाइव बी इंटू फाइव बी, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, फाइव ज़ा सिक्सटी ए और बी,
ये एज इट इज 4a माइनस 5b, 4 फोर ज़ा 16, 4 ज़ा 64 ए क्यूब, 5 फाइव ज़ा 25, 5 ज़ा 125 बी क्यूब माइनस 60ab, ये एज इट इज 4a माइनस 5b एज इट इज। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर है, तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला है। अब a ये b ये c सब्स्टिट्यूट कीजिए, a स्क्वायर 6x स्क्वायर, बी स्क्वायर 7y स्क्वायर, सी स्क्वायर 10z स्क्वायर। फार्मूले में माइनस नहीं लेना, फार्मूले में जो है वो हम ले लेंगे। माइनस 2ab मीन्स ये दोनों 6x 7y, माइनस 2bc मीन्स ये दोनों 7y 10z, माइनस 2ca मीन्स ये दोनों 6x और 10z, ये ले लिया। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 2 टाइम 36x स्क्वायर, 7 को 2 टाइम 49y स्क्वायर, 7 7 49, 10 10 जा 100z स्क्वायर, 2 6 जा 12, 12 7 जा 84xy हो जाएगा, 2 7 जा 12, 12 10 जा 120yz हो जाएगा, 2 6 जा 12, 12 10 जा 120xz हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व कर ले सकते हैं।